तो है वर आप YouTube हॉप एलर्ट एंड बेल सो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देख रखा था सोनिक एंड बेला की बहुत गंदी हालत हो गई थी भाई। वैसे मेरे को उम्मीद तो थी नहीं कि वो स्टार्ट होंगी बट होपफुली वो स्टार्ट वगैरह भी हो गई। सो अब होली तक मैं यहाँ पे हूँ धर्मशाला में ना, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था। उसके बाद मैं चंडीगढ़ जाऊंगा बट मैं बेलो को लेकर जाऊंगा चंडीगढ़ ना, पर उससे पहले मेरे को KTM यहाँ पे रखनी है घर पे। अगर मैं उसको इस हालत में घर पे रख जाऊंगा ना, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था उसका एक फैन का इशू आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इशू आ रहा है उसका, वो सब इश्यूज वगैरह आ रहे हैं उस बाइक में। तो अभी वो जाके चेक कराएंगे एंड इंजन चेक लाइट भी आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई चेक कराना। KTM चंडीगढ़ भी बात करके देख ली, उन्होंने बोला कि KTM कांगड़ा में चेक करा लो, अगर कोई इंजन का प्रॉब्लम आता है तो गाड़ी को टो करके चंडीगढ़ ले आओ, हम फिक्स आउट कर देंगे। बट अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक इशू दिखाने जा रहा हूँ, क्या पता उसमें रिजॉल्व हो जाए प्रॉब्लम भी इंजन चेक लाइट की। तो अभी जल्दी से चलते हैं, ऑलरेडी 2 बज चुके हुए हैं, 5 बजे यार KTM सर्विस बंद हो जाता है पूरा, तो उससे पहले मेरे को पहुंचना पड़ेगा। तो अभी जल्दी से लेके चलते हैं एंड सोनिक का काम निपटाते हैं भाई। पहले मोटर ब्लॉगिंग सेटअप भी मैंने जुगाड़ से रेडी कर दिया है। पिछले ब्लॉग में दिखाया ना हेलमेट धोया था, उस कारण ना मेरा सेटअप नहीं कर पाया था मैं टाइम से, तो मैंने ऐसे जुगाड़ कर दिया अभी फिलहाल ना। अभी इसको लेके चलते हैं। गाइस हियर इज आवर बैड बॉय, देखो फैन ऑन हो गया फिर से, सुनो हो गया ना फैन ऑन, बस यही दिक्कत है। और इंजन चेक लाइट भी देखो यार ऊपर। मैंने सोचा था यार आज जल्दी उठ जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा जल्दी से एजेंसी, क्योंकि सुबह सुबह जब टाइम होता है ना तो वो लोग नखरे नहीं करते यार, लेट जाए ना तो वो लोग ऐसे बोलते कि कल आ जाओ ये बहुत बड़ा इशू है तो ऐसे करके वो टाल देते हैं लोग यार। आज मैं यार लेट उठा क्योंकि मेरे को यार नींद नहीं आती आजकल यार, पता नहीं क्यों मेरे को नींद नहीं आती, बट यार वो भी एक कहावत है, रात को नींद भी तब सुकून की आती है जब पूरा दिन ईमानदारी के साथ जिया हो। वाह 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 वाह, कभी तो मेरे को ऐसे लगता है मैं शायर बन जाऊँ। चुप कर बे कुत्ते। एनीवेज अभी इस टाइम निकला हूँ मैं, क्या टाइम हो रखा है इस टाइम, अभी 2:17 हो रखे हैं पूरे, 3 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा आई थिंक, अभी तो उनका रिसेस टाइम ओवर हुआ होगा। तो गाइस आपने तो नोटिस कर ही रखा होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल की तो धजिया उड़ रखी है भाई पूरी की पूरी। पहले तो साला 1000 व्यूज भी आते थे, अब वो भी नहीं आ रहे, साला 300 से लेके 500 व्यूज तक आ रहे हैं मेरे चैनल पे यार, कसम से मतलब दिमाग को ना दही हो जाता है यार। कभी कभी तो दिल करता है कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ, ये देखो इतना ओवर रेस मार रही है यार अभी ये बाइक, ओवर रेस की भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें यार। सो मैं बोल रहा था कभी कभी तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं क्यों ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार। बोलते हैं ना एक जुनून एक हॉबी होती है बंदे की यार, उसके लिए मैं करता हूँ। मेरा तो अब यूट्यूब स्टूडियो खोलने का मन ही नहीं करता कि कितने व्यूज हुए, मेरे को पता ही है वो 200 से 300 तक होंगे या मैक्स आउट 500 तक पहुंच जाएंगे यार, मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गया। अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखोगे ना, कम से कम 300-400 वीडियोस के अराउंड मैं बना चुका हूँ वीडियोस, 300-400 वीडियोस इतनी ज्यादा होती है ना भाई, तो तुम मतलब 5 वीडियोस में ही थक जाओगे भाई। वो सब कुछ सोचना, वो सब मेहनत करना, वो सब ब्लॉग एडिटिंग कॉन्सेप्ट्स है ना स्क्रिप्ट वगैरह, वो जो ऑब्वियसली मैं बकता हूँ वो हर एक बंदा नहीं कर सकता यार। तो वो 400 वीडियोस डाली हुई है, उस 400 वीडियो की मेहनत तुम समझ रहे हो कितना मतलब अंदर से बंदा खत्म हो जाता है भाई। बट एनीवेज कोई सीन नहीं है यार, शौक था मेरा, शौक कर रहा हूँ मैं, चाहे व्यूज आए या ना आए करते रहेंगे यार। और जिस चीज़ में मज़ा आता है ना उस चीज़ में यार बंदा वो नहीं देखता कि यार मेरी मेहनत लग रही है, मज़ा आता है यार मेरे को ब्लॉगिंग करने में। सो अभी भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। वो अपना अपना लक होता है यार, जो बंदा ना किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कोशिश करता है ना और उसको नहीं मिलती क्योंकि उसकी किस्मत में वो चीज़ लिखी नहीं है यार, और कोई दूसरा जो थर्ड बंदा होगा ना जो ऐसे कर रहा होगा ठीक है तुम्हें देख के कर रहा होगा चाहे जो मर्जी कर रहा होगा, वो तुमसे आगे निकल जाएगा। मतलब वैसा होता है, उनकी किस्मत में होगा भाई, वो तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी क्वालिटी कंटेंट दे दो, जितना मर्जी अच्छा कंटेंट दे दो, बट जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी है ना, तुम गिर पड़ के जितनी मर्जी मेहनत कर लो वो नहीं पूरी होगी भाई, वो तुम्हें नहीं मिलेगी, एट द एंड ऊपर वाले ने देना है। हाथ पैर कितने भी मार लो जब उसने देना है तभी देना है। कितने टाइम से मेहनत करता है उस प्लेटफॉर्म में, मेरे को नहीं मिलता भाई फल, सिंपल सी बात है, ना ही मेरे को मिलेगा ना ही मेरे को उम्मीद है। अगर मिल जाए तो मेरे से खुश आदमी भी कोई इस दुनिया में नहीं होगा यार। ओवर रेस सुनो गाइस इसकी, यार देखो कितनी ओवर रेस हो रही है, इधर क्या हो गया, अरे भैंसो छोटा सा बच्चा था यार। सो गाइस डन विद द बाइक, ईसीयू मॉनिटर लगाया था इसमें एंड वो पूरा स्कैन किया कंप्यूटर लगा के। सो एक्चुअल में ना उन्होंने पहले एक प्लग खोला नीचे ब्लू कलर का था जैसे तुमने वीडियो में देख रखा होगा, जिसको वो सेट कर रहा था बार बार, वो ढीला पड़ गया हुआ था मेरे ख्याल से। शैम्पू वगैरह लेता हूँ तो ब्रश पूरा इंजन बे में पूरा क्लीन करता हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे मेरे से हिल गया होगा यार, इतनी छोटी सी चीज से मेरे को पहले पता होता ना भाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस आ चुका मैं KTM एजेंसी से भी एंड बाइक भी ठीक हो चुकी है यार, बहुत खुश हूँ मैं, शुक्र है मेरे पैसे वगैरह नहीं लगे क्योंकि पैसे तो जैसे मैं तुम्हें बताया पानी की तरह उड़ रहे भाई। बट एनीवेज बहुत गर्मी थी यार, अब कोल्ड कॉफी वगैरह बनाते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कोल्ड कॉफी कैसे बनाता हूँ अपनी। वैसे तो कोल्ड कॉफी नहीं होती, वो आइस कॉफी होती है। कॉफी तो खत्म हो गई थी यार घर पे, तो मैं ये नेस्ले का पाउच ले गया हूँ एंड ब्रू कोल्ड का ले आया हूँ एंड ब्रू का ले गया हूँ, ब्रू मैंने कभी ट्राई नहीं किया है तो आज ब्रू ट्राई करने वाला हूँ मैं। भाई मिल्क डाल दिया भाई, मिल्क ज्यादा डाल दिया मेरे से, 4 शीशे डालेंगे हम क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनानी है भाई, 7 चम्मच शुगर डालेंगे। और ये रही हमारी पूरी आइस, आइस क्यूब्स, और ये सारे आइस क्यूब हम डाल देंगे ये थोड़ी देर में बनने वाली है, थोड़ा पुराने जमाने का शेकर है हमारे पास। चलो जी
तो लेंगे भाई आइस कॉफी हम पूरी। एंड ये देखो भाई, ओए होए 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 होए, ये तो टट्टी है, ये पूरी बर्फ है भाई। ऊपर तुम्हें लग रहा होगा ये बर्फ नहीं है, बट ये पूरी बर्फ है। A few minutes later. तो गाइस अभी है शाम का टाइम और इतना स्मूथ इंजन हो रखा है ना भाई इस बाइक का, मजा ही आ जा रहा है माँ कसम चलाने का इसको। एनीवेज अभी मैं जा रहा हूँ चैंग के पास, तो चैंग आ रखा है कांगड़ा से एंड वो मेरे को मिल रहा है शिला चौक पेट्रोल पंप पे। तो फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं यार, वो भी RC लेके आया KTM। हाँ जी है, हाँ दरवाजे यार प्लीज। गाइस देखो बाइक की हालत क्या कर रखी है यार इसने, बस मेरे को एक ही RC दिखती है पूरे धर्मशाला में, पूरे कांगड़ा में, जो सबसे गंदी होती है भाई, जरा भी मेंटेन नहीं रखी है भाई ये बाइक। तो अभी चाहेंगे वो रहा ऊपर साइड जाना यार, इंद्रुनाग में बैठना है, तो इसको इंद्रुनाग थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो इसको लेके चलते हैं अभी ऊपर। चल दोनों ने ग्रीन जैकेट डाली हुई है भाई। हाँ जी कैसे हो, बस मैं भी बढ़िया, कहाँ चले, हम तो इंद्रुनाग जा रहे हैं। क्या चांद है भाई, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, स्पॉट नंबर वन, क्योंकि यहाँ से ना पूरा व्यू दिखता है नीचे का यार, अल्टीमेट। यहाँ पे आके जैसे मर्जी बैठ जाओ, जैसे भी तुम्हारा मूड अच्छा है, गंदा है, बुरा है, या तुम ब्रोक हो, ये जगह तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी अपनी ब्यूटी के साथ, सुंदरता, बहुत ज्यादा सुंदरता। ये भाई स्पॉट नंबर टू, चेक आउट करो भाई व्यू, चेक आउट। ये सनसेट हो गया, ये तो सनसेट हो रहा होता ना तो अल्टीमेट ही मजा आता भाई इसे। चेक आउट करो गाइस स्पॉट नंबर थ्री, ओए होए होए होए, धोलाधार ग्लेशियर्स चमकते हुए, ओए होए होए, ये देखो भाई ये असली नज़ारे। कैसी जगह में आ गए हम, ऐसे टॉप है ना भाई पूरा। आज ये देखो अभी सनसेट वगैरह सब हो रखा एंड ऐसा कुछ व्यू है भाई, और वो लगाई हमने RCs यहाँ पे एंड ऐसा कुछ धोलाधार का व्यू है हमारा। उस रेस्टोरेंट पे बैठेंगे अभी हम। सो गाइस इस कैफे में आए हम ऊपर एंड ये मैगी वगैरह करा ली हमने, ब्रेड ऑमलेट करा लिया, दो कोको कोला करा ली हमने। और व्यू देखो भाई नीचे का क्या ही अल्टीमेट है, ओए होए होए, चांद भी निकला है। A few inches later. So guys, इंद्रनाग से भी हम निकल आए हैं, थोड़ी देर ऊपर बैठे हुए थे यार, हम चिल वगैरह मार रहे थे एंड ये देखो भाई व्यू देखो, फुल पावर व्यू है एंड आप घर को जा रहे हैं भाई। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ब्लॉग वगैरह एंड कर देते हैं अपना। सो सब्सक्राइब वगैरह करो यार चैनल को एंड वीडियोस वगैरह देख लिया करो और सपोर्ट वगैरह कर दिया करो, जैसे कि तुम्हें पता है चैनल वगैरह बहुत डाउन चल रहा है, तो तुम लोग ये जो सपोर्ट वगैरह कर सकते हो इस टाइम पे वीडियो वगैरह देख के, तो ऐसे ही वीडियो वगैरह देखते रहो एंड ऐसे ही लाइक वगैरह भी करते रहो, कमेंट वगैरह भी किया करो यार प्यारे प्यारे। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूं मैं। सो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ऑफरोडिंग का, तो ऑफरोडिंग का वीडियो दिखाएंगे तुम्हें यार। सो दिस इज योर कैप्टन बाइक ट्रैवल साइनिंग ऑफ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड।